वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए यह क्या है, 4 = 5 ब्रैकेट p-2। पहले इस ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या है, इस 5 को हटाना है। तो 5 को हटाने के लिए क्या है, ऊपर 5 है तो इसको हम 5 से भाग कर देंगे, और इसको 5 से भाग करेंगे तो इसको 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो दोनों की तरफ 5 से भाग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब क्या हुआ है, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाएगा, 4/5 = p-2। ठीक है, अब ये 2 जो है कॉन्स्टेंट है, 4/5 भी कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले आते हैं, माइनस को 2 है ना, इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या होगा, ट्रांसपोज करेंगे, यानी हम राइट हैंड से, ये राइट हैंड से लेफ्ट में ला रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, 4/5 रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू पी। या हम लिख सकते हैं पी बराबर, इसको अब वापस इधर उधर कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में। तो पी इक्वल टू, अभी 4 को 2 से गुणा, ये 2 है ना, ये प्लस है ये, तो 4/5 और में 2 जोड़ेंगे, इसका लघुत्तम क्या आएगा, ये देखिए 4/5 + 2 यानी 2/1। तो लघुत्तम इसका एलसीएम 5 आया, तो यहां क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 2 = 10, और तो 10 14/5 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, p = 14/5। पार्ट बी, -4 = 5 (p-2). पहले ब्रैकेट को हटाना है, कोष्ठक को हटाना है, तो ये 5 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 को ये मल्टीप्लाई का है, यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको 5 करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, और जब इसको इधर डिवाइड करोगे तो इधर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 5 से 5 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या रह जाएगा, -4/5 = कितना हो जाएगा, p-2। यहां तक पहुंच गए आप, p-2। अब आपको क्या करना है, इसको इधर ले आइए, p-2 = -4/5, यानी राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में ले आएगा, ताकि p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, p-2 = -4/5। अब ये -2 का है, इसको आप ले आइए राइट में, तो हम क्या करेंगे, यहां आ जाएगा p = -4/5, ये माइनस का प्लस 2 है ना, इसको प्लस का 2 हो जाएगा ये। ओके, अब आप इसको हल कर लीजिए, प्लस का 2/1 कर लीजिए। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, तो ये 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, और यहां प्लस रहेगा, और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, यानी हो जाएगा -4 + 10/5। -4 + 10/5 क्या है, पी की वैल्यू, पी के बराबर, यानी पी बराबर हम करेंगे -4 और +10, इनको सोल्व करेंगे तो प्लस के ज्यादा है 6। ठीक है, तो p = 6/5। ठीक है, ये पी की वैल्यू आ गई 6/5, ये हमने सोल्व कर दिया इस इक्वेशन को, p = 6/5। क्लियर, पार्ट सी, यहां क्या है, 16+4+3t+2। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करने का, आपको 3 को जो है हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको सब जगह जो है ये 3 रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, और इसको भी करोगे। ठीक है, सबको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 16/3 = 4/3, 4/3 कर गया, +t + 2 बच गया। अब 16/3 और 4/3 एक जैसे हैं, इधर t प्लस 2 है, तो अब आपको क्या करना है कि इनको ट्रांसपोज कर दीजिए, इधर से उधर कर लीजिए, यानी t को इधर ले आइए पहले तो आप। ठीक है, ये t को इधर ले आइए,
तो टी के बराबर ये तो ऐसे ही रहेगा, 16 बटा 3 ही रहेगा, और ये हो जाएंगे राइट से लेफ्ट में चले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ना, तो माइनस 4/3 हो जाएगा, तो प्लस का ये, तो प्लस के दो तो माइनस के दो हो जाएंगे, यानी ये माइनस के दो, दो या 2/1। अब हमारे पास में आ गया, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना है, 3 आया। अब 3 को 3 से तो ये 16 ही रह गया और ये माइनस 4 ही रह जाएगा, और यहां क्या करेंगे हम, ये 1 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा, यानी ये प्लस के 16 है माइनस के 10 है, तो ज्यादा कौन से हुए, प्लस के कितने, 6/3, ये और कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो कितनी होगी टी की वैल्यू, टी बराबर 2, ये इसका इक्वेशन निकल गया, आपकी वैल्यू निकल गई टी की 2, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, टी इक्वल टू 2। अब आप यहां देखिए 4+5 पी माइनस 1 इक्वल टू 34। अब यहां पर 5 को हटाना है, 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब सबको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। अब हमारे को एक फायदा ये होगा कि ये 5 से 5 हट जाएगा, यानी ये p माइनस 1 फ्री हो गया, ब्रैकेट से बाहर आ गया, ठीक है। अब आप इसको देखिए, p माइनस 1 को इधर लिख दीजिए, और इसके बाद में p माइनस 1 के बाद में ये क्या है, 34/5, ये तो है, और ये 4/5 है, ये इधर लेफ्ट साइड में है, इसको आपको राइट साइड में ले जाना है इधर, तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस के हैं ये तो -4/5 हो जाएंगे, इतना हो गया। अब आप जो है इस p माइनस 1 है ना, इसको भी, इस माइनस 1 को भी इधर ले आइए, इसको माइनस 1 को ले आएंगे तो हम क्या करेंगे, p को सिर्फ p रहने दीजिए, तो ये हो गया 34/5 -4/5, ये तो पहले से है, और ये माइनस 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस 1 का हो जाएगा, +1/+1, एक ही बात है। अब आप करें इसका ले लीजिए लघुत्तम, एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 5 आया, ठीक है, तो 5 को 5 से कट गया तो 34 रह जाएगा, ये भी 5 से 5 से कट गया तो -4 ही रह जाएगा, और ये जो है प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये माइनस के 4 है, प्लस के 34/5 39 है, ठीक है, तो 39 -4 यानी ये आपका हो गया 39 में से 4 गया 35 हो गया, 35/5 हो गया, ठीक है। अब 35/5 तो 35/5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 7/5 = 35, तो p की वैल्यू क्या आई, 7, क्लियर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया p इक्वल टू 7। e 0 = 16+4 m माइनस 6, यहां भी वो कीजिए, आप पहले 4 को हटाइए, 4 को हटाने के लिए क्या करोगे, आप इसके अंदर 4 का डिवाइड करोगे, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, ओके। अब देखिए ये तो 0 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा, ये तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 16 और 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या, ये 0 से 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगा, तो ये तो रह जाएगा आपका 0 इक्वल टू ऊपर क्या रह गया, 4 और प्लस m माइनस 6 ही हो गया। अब आप इस m को इधर ले आइए, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू ज्ञात करनी है, सिर्फ m को इधर ले आइए, तो क्योंकि ये इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया है, m इक्वल टू -4 हो जाएगा ये, और ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा 6, और ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ये माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर m को इधर ले आए ना तो माइनस इधर आ जाएगा, m को 0 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है इसलिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास m के बराबर क्या हो गया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है, तो प्लस का 2 ज्यादा है तो m बराबर 2 हो गया, m की वैल्यू 2 हो गई। ये सॉल्यूशन आपका हो गया, इसका हल निकाल लिया हमने समीकरण का, m की वैल्यू 2 है, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।